सेवन तक एक पॉइंट मैं क्लब करना चाहती हूँ. सेवन पॉइंट रहेगा इंस्टेड ऑफ सीवी हैविंग बायोडाटा, एंड एट पॉइंट रहेगा इम्प्रॉपर कवर लेटर. इंस्टेड ऑफ सीवी एंड कवर लेटर यू हैव योर बायोडाटा. एंड मैं मुझे बहुत दुख लगता है ये बोलते वक्त, 99.9% ऑफ स्टूडेंट्स हैव ओनली बायोडाटा. उनका सीवी ऐसा होता है, नेम, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, देन अगर उन्होंने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किया है तो, एंड देन मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी ट्रूथ है, ये है वो है. अरे क्या करना है मुझे आपके परसेंटेज से, आपके क्या स्किल्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, ये कुछ भी आपके सीवी में नहीं आता. एंड कवर लेटर की तो बात ही मत करो, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कवर लेटर क्या होता है. तो इस तरह से आपका सीवी आप भेजोगे एचआर को, तो एचआर ने तो आपको देखा नहीं है, कैसे वो आपको सिलेक्ट करेगी. तो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहता है, मैंने तो भेजा है मेरा सीवी, अभी तक रिप्लाई नहीं है. मैम मैंने 101 कंपनी में सीवी भेजा है, कोई रिप्लाई नहीं करता है. तो कैसे करेगा रिप्लाई, अपने जिन 101 कंपनी में सीवीज भेजे हैं ना, वहाँ पे ऐसे 10,000 सीवीज पड़े रहते हैं. तो क्या आप भी एम फार्म हो, दूसरा भी एम फार्म हो, क्या बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी. जैसे आपको लग रहा है कि मुझे 70% है, तो यार ऐसे 70% वाले भी बहुत मिलेंगे. तो फिर बस परसेंटेज पे आपको लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, अगर ऐसा होता कि 1,000 लोगों में बस आप ही एक हो जिनको 70% है, तो शायद वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे. बट ऐसा नहीं रहता है, ऑलमोस्ट सभी को अराउंड इसी रेंज में परसेंटेज रहता है. एंड जस्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया परसेंटेज नहीं हो सकता है. नाइन पॉइंट रहेगा हैविंग इल्यूजन ऑफ नॉलेज. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसके लिए हमारा सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है. जैसे आपको बचपन से यही लगता है कि क्लास में फर्स्ट आ गया, टॉपर हूँ, मैंने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया, तो आई एम इंटेलिजेंट. और इसी सोच के कारण आप हमेशा मार्क्स के रेसिंग में लगे रहते हो कि कैसे मुझे मार्क्स मिलेंगे, कैसे मैं टॉपर रहूँगा. और आप जॉब्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए आप ध्यान नहीं देते हो, और ये आपका सही में बहुत बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक रहेगा. जब आप पास होते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इवन दो आपने भी ये एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स है या परसेंटेज है, आपने ऐसे बातें करते हुए सुना होगा, अरे यार इतना अच्छा उसका एजुकेशन है, डिग्री है उसके पास, बट वो जॉब नहीं कर रहा है या उसको जॉब नहीं लग रही है. तो ऐसा क्यों, अगर समझ लीजिए परसेंटेज ही बस क्राइटेरिया होता था जॉब का, तो ऐसे कोई भी बच्चे विदाउट जॉब नहीं रहने चाहिए थे. लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट, अनसुटेबल पर्सनालिटी. बच्चों आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजेंट होनी चाहिए जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो. आप मैं ये स्पेशली बॉयज़ को बोलूँगी, वो लोग शेविंग नहीं करते या फॉर्मल्स प्रॉपर नहीं होते, कलर्स कपड़ों के मिसमैच होते हैं, या कभी जीन्स में जाते हैं, तो ये अटायर एटिकेट जो होता है ना, ये बहुत मैटर करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंड सीरियसली क्लिनिकल रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. गर्ल्स बाल प्रॉपरली सेट नहीं होते हैं, अटायर उनका भी होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, लाइक इंटरव्यू के लिए कैसे जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है. एंड ये चीज़ आप में होनी ही होनी चाहिए. आपको एचआर के सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी, कैसे, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आज से ही आप ये 10 पॉइंट पे वर्क ऑन करो. अभी से अगर आप ये पूछने के बजाय कि मुझे जॉब लगेगा, ये पूछिए कि आप मेरे स्किल कैसे होन अप कर रहे हैं, आप मेरा बायोडाटा रेज्यूमे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है, रादर देन मुझे जॉब लगेगा, मुझे जॉब लगेगा. जॉब तो लगेगा ही, पर पक्के खिलाड़ी तो बनो.